क्या आपने कभी ऐसा ताबीज देखा है जो आपका पूरा बायोडेटा रखता हो? जी हाँ, हम आपको एक ऐसे डिजिटल ताबीज को दिखाने जा रहे हैं जो बच्चों के टीकाकरण से लेकर आधार नंबर और माता पिता से जुड़ी तमाम जानकारियां सहेज कर रख सकता है। खास बात यह कि इस डिजिटल ताबीज को ऑक्सफर्ड में पढ़ने वाले 23 साल के भारतीय छात्र रुचित नागर ने तैयार किया है ताकि भारत में शिशु मृत्यु दर कम हो जा सके। प्लास्टिक का ये लॉकेट देखने में भले ही साधारण सा दिखता हो, लेकिन इसके फायदे जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस एक लॉकेट में बच्चे के टीकाकरण के रिकॉर्ड से लेकर परिवार का नाम पता और माँ का आधार कार्ड नंबर समेत बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियाँ लोड की जाएंगी ताकि जन्म के बाद बच्चे की मेडिकल जाँच सही तरीके से हो सके। देश में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के मकसद से इस लॉकेट को बनाया गया है। प्लास्टिक के इस डिजिटल ताबीज को खुशी बेबी नाम दिया गया है। फिलहाल बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण संबंधी जानकारी के लिए ममता कार्ड बनाया जाता है, लेकिन इसका सही समय पर अपडेशन नहीं होने पर टीकाकरण और बीमारियों का सही पता नहीं लग पाता। हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस अमेरिका में पढ़ रहे 23 साल के रुचित नागर ने खासतौर पर भारत के बच्चों के लिए इस लॉकेट को बनाया है। खास बात यह है कि इस इनोवेशन के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और सीएम वसुंधरा राजे भी उनकी टीम को सम्मानित कर चुकी है। देश में इसकी शुरुआत उदयपुर के 5 ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। इसके अंदर में बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन से संबंधित रिकॉर्ड है, टीकाकरण से संबंधित, वो इसमें स्टोर हो सकता है, सेव हो सकता है। और जब इसके साथ हम हेल्थ वर्कर को जो कि एएनएम होती हैं, उसको हम लोग ये एक मोबाइल एप्लीकेशन देते हैं। इस एप्लीकेशन में आप बच्चों का सारा इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड आप स्टोर कर सकते हैं, और जब भी बच्चा अगली दफ़े वो आएगा तो ये रिकॉर्ड जो है वो अपने आप इसमें अपडेट हो जाता है। जनजाति इलाके में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से बनाए गए इस ताबीज की कीमत करीब 50 रुपए है। दरअसल जनजाति अंचल के लोग जानकारी न होने के चलते बच्चों को समय पर टीका नहीं लगवाते हैं। ताबीज में लगाई गई चिप यूएसए में तैयार हुई एनएफसी 868 बाइट मेमोरी की है, जो बिना इंटरनेट और वाईफाई के भी डाटा ट्रांसफर कर सकेंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें काला धागा है। काला धागा अपने हिंदुस्तान में, इंडिया में, एक बुरी नज़र से बचने के लिए गांव में बच्चे, महिलाएं अपने बच्चों को पहनाती हैं, तो हमने सिर्फ इसको कल्चरली अप्रोप्रिएट बनाने के लिए इसमें सिर्फ ये चिप लगा दिया, जिसकी वजह से आराम से ये माओ ने इसे एक्सेप्ट किया। और ये ताबीज़ प्लास्टिक का है, वाटर प्रूफ है। इस लॉकेट को पहली बार उदयपुर के आदिवासी इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर शुरुआत सकारात्मक रही तो इसका इस्तेमाल देश के दूसरे शहरों में भी किया जाएगा।